नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में, जहाँ आपको मिलती है हारमोनियम और गिटार के ट्यूटोरियल्स काफी आसान तरीके से। तो जैसा कि 15 अगस्त आ चुकी है, तो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक देशभक्ति का गाना। तो दोस्तों, ये गाना है राजी मूवी से, ए वतन वतन। और देखते हैं, ये मैंने लिया है पहली काली से। तो पहले मैं इसके आपको सारेगामा प्ले करता हूँ। इसमें दोस्तों माँ और माँ तीव्र का यूज हुआ है, और इसमें नी कोमल का भी यूज हुआ है। तो देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में ऊपर आप डिस्प्ले पे आप फोकस करिएगा, मैंने पहले गाना प्ले किया है, देन उसके मैंने जो भी उसकी सरगम है उसको वहाँ लिखा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आपको रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक आपको एक मैं इसको एक परफॉर्मेंस करने के लिए आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, अगर आप लाइव कैसे इसको आप जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ए वतन मेरे वतन, क्या था दोस्तों? ए वतन सारे गामा धापा, इसमें माँ जो हमारा नॉर्मल माँ होता है, शुद्धि माँ यूज हुआ है। मेरे वतन, अब सेकंड लाइन, ए वतन वतन मेरे आवाज रही तू, कैसे? ए वतन वतन मेरे आवाज रही तू, सारे गा 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 मा धा 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 पा, शुद्ध है बट माँ तीव्र है। कैसे? मैं जा गा पा, मैं जहा सा गा पा सा नी धा पा मा मा मा, याद रहे तू रे मा पा धा पा मा गा, रे मा माँ तीव्र, पा धा पा मा शुद्ध वाला गा। अब इसको पूरा एक साथ देखते हैं। ए वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, ए वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। दोस्तों नेक्स्ट लाइन देखते हैं, क्या? तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझे से, तो क्या था? तू ही मेरी मंजिल है गामा धा 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 धा, तू ही मेरी मंजिल है पे धा पा नी 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 धा पा पहचान तुझे से धा पा नी 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 कोमल आ गया दोस्तों, नी कोमल है, फोकस करिएगा, नी कोमल कौन सा लगाया दोस्तों मैंने? नी कोमल। पहचान तुझे से सा, हाई ऑक्टिव का आ गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा हाई ऑक्टिव का सा। पहचान तुझे से फिर धा पा से, फिर दोस्तों अब यहाँ गाना थोड़ा था ही जा रहा है क्या, अब यहाँ पहले नी कोमल लगा रहे थे, अब नी शुद्ध की तरफ आ जाएंगे। पहुंचू मैं जहां भी पानी नी 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 नी, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद, देखिए फिर से, देखिए दोस्तों फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रही तू धाधा री रे सा, अब कहां चला गया? ऑक्टिव से बाहर, तो हाई ऑक्टिव का हमने रे लगाया। पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रही तू, फिर दोस्तों टर्न हो जाएगा, लो आ जाएगा। पहुंचू मैं जहां भी, माँ तीव्र का यूज किया है मैंने यहाँ पर, क्या? पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रही तू, मा 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 रे मा पा धा मा मा मा। तो उसके बाद दोस्तों क्या? ए वतन मेरे वतन,
पार्ट है, कैसे? तुझ में कोई गम की आंच आने नहीं दूंगा, तुझ में कोई गम की आंच आने नहीं दूंगा, फिर कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। तो दोस्तों बिल्कुल सेम हो जाएगा, कहते तू ही मेरी मंजिल है कुर्बान मेरी जान, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो दोस्तों और मैंने आपको बताया कि हम इसको स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं। दोस्तों पहले तो आप इसको एक पहले आप इसकी कीज हुआ सरगम में पहले वो सीखिए, और देन इसके पहले तो सबसे पहले आप इसके जो जो भी इसमें नोट्स यूज हुए हैं उसको काफ़ी आराम से बजाइए। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं इसमें क्या करना है, इसमें करना है हमें जो मैंने आपको यहाँ पर सरगम दिया उस सरगम को धीरे 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 प्ले करिए, और टाइमिंग देखिए किस टाइमिंग पर कौन सा नोट्स आ रहा है। दोस्तों ये हो गई ठीक है दोस्तों दूसरी बात, अब तीसरी बात आती है दोस्तों, यही चीज फिर हम करेंगे मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस, कहते वन टू थ्री फोर। ए वतन वतन मेरे आवाज रहे तू। तो दोस्तों जब हम बीट के साथ प्रैक्टिस करते हैं देन उसके बाद दोस्तों आप यूट्यूब पे आप या 4x4 की आप स्ट्रम निकाल सकते हैं या मतलब इसके टेम्पो के हिसाब से, तो दोस्तों उसके साथ आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमारे संगीत में कह सकते हैं बेसुरा चल सकता है बट बेताला नहीं चल सकता, तो दोस्तों अगर आपको एक ताल में अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते तो दोस्तों अगर आप उसकी ताल में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप एक परफॉर्मेंस बन जाएंगे। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल में बने रहें आगे भी जो भी मैं वीडियो डालता हूं, और अपने दोस्तों को शेयर करो जिन्होंने अभी अभी गिटार सीखना या हारमोनियम सीखना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों थैंक यू, बाय, अलविदा, टाटा।